हाय गाइस। हाँ जी सर। तो जैसे कि तुम्हें पता है कि हमारा इस साल का इंश्योरेंस कंपनी का टारगेट पूरा नहीं हुआ है, तो मुस्कान और साहिबा, तो मैं तुम दोनों को आज एक स्कीम देता हूँ जिसमें आपको 5 लाख का प्रीमियम निकालना है। जो भी सबसे पहले 5 लाख का प्रीमियम कवर कर देगा उसको मैं 1 लाख का चेक दूंगा और साथ में अवार्ड भी दूंगा। 5 लाख की सेल? सर मैं 2 घंटे में निकाल दूंगी। और ये क्या निकालेगी सेल वे? मैं ही जीतूंगी इसमें देखना। हाँ तू सही कह रही है, तू जीत जाएगी। हेलो मैम, मैं इंश्योरेंस कंपनी से बात कर रही हूँ। हमारे यहाँ दिवाली ऑफर चल रहा है, आपको 50,000 की पॉलिसी पे 5,000 का डिस्काउंट मिलेगा। मैम क्या आप ये पॉलिसी लेना चाहेंगे? अरे मेरा दीवाना निकल गया, मुझे नहीं चाहिए कुछ। ओके। हेलो मैम, मैं यू सिक्योर इंश्योरेंस कंपनी से बात कर रही हूँ। मैम हमारे यहाँ दिवाली का ऑफर चल रहा है, इसमें 2 लाख प्रीमियम पॉलिसी कराने पर सीधा 25,000 का डिस्काउंट मिलेगा और साथ ही साथ दिवाली सरप्राइज गिफ्ट्स भी मिलेंगे। मैम आप लेना चाहेंगी? ये तो बहुत अच्छा ऑफर है, मैं जरूर लूंगी। मैम अपना नाम और एड्रेस बता दीजिए। मैम मैं अपना फील्ड बॉय भेज रही हूँ, आप उसको 2 लाख का चेक दे दीजिए। सर हमारे यहाँ दिवाली ऑफर चल रहा है जिसमें 1 लाख प्रीमियम पॉलिसी कराने पर 10,000 का डिस्काउंट मिलेगा, क्या आप लेना चाहेंगे? जरूर। ओके ओके सर मैं डन कर देती। सर अपना एड्रेस बता दीजिए। सर मैं अपनी कंपनी का एक फील्ड बॉय भेज रही हूँ, उसे आप 1 लाख का चेक दे दीजिएगा। ओके सर। मिथुन ये 2 कस्टमर के एड्रेस है, और 1 से 1 लाख का चेक और 1 से 2 लाख का चेक लेना है, आप जल्दी से जाके लेके आओ। ओके मैम। क्या करूँ यार, अब तक सिर्फ 25,000 की सेल हुई है। हाँ मैडम, मुस्कान ने तो 3 लाख की कर दी है अभी तक। अरे यार फौजिया, मेरी 4 लाख की सेल हो गई, बस 1 लाख की सेल और बाकी है। अरे वाह, तूने तो कमान कर दिया, वो तो अभी 25,000 पे अटकी हुई है। मुझे तो पूरा यकीन है अवार्ड और चेक तू ही ले जाएगी। अरे अभी तो बस 1 ही घंटा हुआ है और 4 लाख की सेल भी निकाल दी, काम होने में भी बहुत टाइम है और 1 लाख की सेल तो चुटकियों में निकल जाएगी। वैसे भी कॉल कर करके बहुत सर में दर्द हो गया है, तब तक आराम ही कर लेती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन साहिबा, ये रहा तुम्हारा चेक और ये रहा तुम्हारा अवार्ड। थैंक यू सर। अरे ये कैसे जीत गई? ये तो मुझसे बहुत पीछे थी। मैं कैमरे में देख रहा था, तुमने ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया और तुम 3-4 घंटे के लिए सो गए। इसने स्लो काम जरूर किया लेकिन लगातार काम किया, और हमेशा लाइफ में लगातार काम करने वाला ही जीतता है। देखो मुस्कान, कभी भी अपनी काबिलियत पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए। सर आप सही कह रहे हो, आज मुझे खरगोश और कछुए की कहानी याद आ गई। अब मैं लगातार काम करूंगी और कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाऊंगी। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। निरंतर चलने वाला ये व्यक्ति हमेशा जीतता है।